अस्सलामुअलैकुम जी, जनाब आज ये तो मेरे से वीडियो बखान जा रहे हैं। ये मकई जनाब लाने वाली मशीन है, ये वो मशीन है जिंदे तुसी अपनी मकई डाल दे ते जनाब खेड़ा बना लेना थोड़ी मकई भी काश्त कर देंदी है। ना फायदा ये है कि लेबर दे मसले तो थोड़ी जान छुट जाएगी, दूसरा ये कोई नागे शागे नहीं होंगे, तो तीसरा है थोड़ी पैदावार बड़ा फर्क आ जाता है। इन होंगे कि जो मशीन है इन मकई के दाने डायरेक्ट पा दोगे अपने हिसाब में एक दाना करके मशीन खेलों के काश्त कर देंगी, तो दूसरे नंबर से यह जी खाद हैगी है थोड़ी जो तुम थले पाते हो वो खाद भी मशीन के नाल ही तुम आपके बीज ला सकते हो। यह हम जिस तरह तुम दिखाने लगे हैं कि मकई वाली मशीन के पान लगे हैं बीज, छोटिया छोटिया चार ये लगिया हुई ने, इन्हों रूले कहते हैं, इन्होंने ही इन्होंने बीज पा देना जिस तरह पहले रूले के बीज पान लगे हैं। यह देखना इन पा देना, ये मशीन ने अपने हिसाब से एक एक दाना फड़ के खेत में 9 इंच के फासले से ला देती है। तो इस तरह यह जो 10 किलो का पैकेट होंगे ये 1.25 किलो के काश्त हो जाता है। यह बारियां मक्की लाई सी असी, इन 125 से 130 मन सा एवरेज आई है किले की, तो बड़ी बेहतरीन मशीन है जनाब। किराए से कम करते हैं, 5 चक तो है जिन्हें बीज को मशीन असं लैके आए हैं, तो यह चौथे भी जनाब डब्बे के पान लग पी बीज पा के इस तो बाद खाद पान गए इन खाद पा के तो फिर खेलों के जाने रवा हो जाएगा। लो जी हम तुम खाद पाते तो भी तुम दिखाने ये खाद कि जगह से पा देना, तो खाद पाने तो बाद थोड़ी सैटिंग कर दे, तो सैटिंग तो बाद खेलना कर देन दे। खाद वाली जगह है खाद इन्हें पा दी है, खाद भी आप ही मशीन चुके थी, तो हर खेल के हिसाब में बीज के नाल नाल खाद भी ला दी जाए थी। अच्छा जी हम ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, यह बस होगा ट्रैक्टर स्टार्ट। ट्रैक्टर स्टार्ट करने तो बाद मशीन तुरन लगी जी, मशीन निकल के उठी जानी है खेत की तरफ, खेत जाके किस तरीके इन्होंने खेलना पानिया ने वो तुम दिखाने। एक चक्कर असल में 2 पोठे पूरा करता है, 2 पोठे का मतलब कि 4 उन्हें लानिया ने खेला, 2 खेला तो उन्हें 4 पोठे, 4 पोठों के उत्ते ने एक टाइम चलाने। तो बछेड़े छोटे छोटे काले रंग के रूले है ना, इन्हों का फायदा यह होंगे कि जोड़ा बीज लगता है ना उनके उत्ते नप्पी जाते हैं, बीज को नंगा ना रह जाए, नंगा रहो कहते थोड़ा भी पता है कि वो उगता नहीं। यह जरा देख लो है 2.5 फुट का है 2.5 या 3 फुट का यह पोठा है, लेकिन अगर जो दूसरी खेल क्ढन गए ना उन्होंने थोड़ा मजीद पता लग जाएगा कि इंतजाम की बनता है। असल तो जो पहली खेल है पहली असर जो क्ढन लगा तो बंदा कहता जी पहली नहीं सही हो गई, वो गोठे की सी अगर जो गया तो उन्हें लाया तो बहुत ज़्यादा पहली मैं लस्से निकल जाएगी इस बंदे की। अगला देखना जरा देखते अच्छी शानदार किस्म की खेल निकलती है, खेल जो पलस्तर हो जाए खेल कट के इस तो बाद पानी ला देना, तो अल्लाह ख्याल रखे 3 तीजे या 4 दिन ये मकई बाहर निकल सिर के बालों तरह मकई निकलती, बाकी पैदावार बहुत ज़्यादा क्योंकि नागा नहीं होता, एक सीकुंस के नाल बीज लगते हैं तो उनकी वजह तो थोड़ा बेहतरीन किस्म का पैदावार होंगी। पहली खेल निकल गई हम मुड़ के तो जो दूजे खेल तो जाएगा वापस इतने पोठे के टायर ट्रैक्टर का बाहर रखे गया, तो फिर तुम्हें मजीद पता लग जाएगा एक किस किस्म की खेल कटता है। हम मुड़ के हम दोबारा फिर देखना, तो बाकी बड़ी बेहतरीन हैगी है, पुज गए 2.5 लाख रुपए की मशीन हैगी, 2000 रुपया किले का लेते हैं। लेबर जी है लेबर 1500 रुपया एक किले का लेंदी है लगवाई, तो 1000 रुपया खेड़ा कड़ा लेते हैं, 2500-300 रुपया वो लेंदे ने तुटे को खाद पाने वाले किले का, टोटल 2800 रुपया खर्चा किले का, इन्हों तो कटाओ 2000 रुपया थोड़ा किले का खर्चा, तो कम थोड़ा शानदार किस्म का हो जाता, तो फिर इको टाइम से होता वो दूजी तरह अगर लुआओ तो पहले खेड़ा कटाओ तो लेबर तो लुआओ वो तो मुसीबत ही होती, जो बंद की रात की वारी होती रात सारी भरता है खेड़ा में जिन्हें आदि पानी खेड़ा पी जाती है, इस वास्ते बेहतर है कि बंद ने जरा देखना
ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਖੇਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਠੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਠੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਠੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।